These flowers come only once in a year. So that's there. What you see is blue mosque. और ये area है Hagia Sophia. Bicolored crow. ये crow है? वही है. My name is Suad. This is my brother from India. Welcome to my country. Hey, good morning and welcome back to the channel. This is practically second day in Istanbul and today we'll start exploring Istanbul city. अगर आपने इसके पहले के 3 vlogs miss किए इस travel series के तो आई लिंक में आ जाएंगे ग्रेजुअली. अभी स्वागत है तैयार एंड विल सून गो आउट बट नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट. अभी स्वागत ने खुद को एकदम सक्सेसफुली प्रूव किया है रॉन्ग ओवरनाइट. अभी मैं बताता हूँ कैसे. अगर आपने इसके पहले का व्लॉग देखा रहेगा तो स्वागत बोल रही थी कि दिस रूम विल नॉट बी मेसिंग अप एंड लुक एट दिस रूम सक्सेसफुली इट हैज मेस्ड अप द मोस्ट. अगर ये बैग नीचे रहेगा ना हमको चलने के लिए जगह. मैं देखो वही बोल रहा था कल कि ऐसा हो ही नहीं सकता किसी होटल में. हम लोग जाने से पहले ये बैग को बंद करते मैसअप नहीं किया है. मैसअप नहीं किया है. नहीं किया मिस्टर. वाओ अमेजिंगली केप्ट. ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि तूने मिसअप किया. ऑफ कोर्स मेरा भी हाथ है इसमें लेकिन मैं सिर्फ ये प्रूव यस मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि किसी भी होटल में हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं विदाउट हैविंग रूम मेस्ड अप वी कांट जस्ट लीव इन. अभी चले एक्सप्लोर करने. और बाय द वे गाइस यहाँ का जो व्यू है ना मैंने उनको बोला कि मुझे सिटी व्यू चाहिए और मिला है. देखो क्या हमें. तो बॉयज अगर व्यू चाहिए तो उस तरफ देखो. इस तरफ देखो कुछ भी नहीं दिखा ऐसे व्यू. Being in a bar to have breakfast. Actually इनका रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट बार होटल लंच सब एक ही है. एक ही जगह पे. एक ही जगह पे. लेकिन ये आइडिया मेरे को कूल लगी. हाँ. खेलते खेलते पियो. हम रात को आएंगे यहाँ पे. रात का वाइब्स भी इधर एकदम अलग होता है. लेकिन नॉन वेजिटेरियन डेज पे. हाँ. मंडे ट्यूसडे जाने दें. मंडे ट्यूसडे जाने दें भगवान. ओके एकदम ब्रेकफास्ट यूनिक है. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव नेवर हैड इन एनी अदर कंट्री. ये चीज बोर्ड इसके ऊपर वॉलनट है फीग्स है ऑलिव्स है और ये टर्किश चटनी टाइप कुछ तो है और कुकम्बर स्मॉल टोमेटोज और ब्रेड. और ये यहाँ का बहुत ही फेमस सीमित ब्रेड होता है जो ऐसे सर्कल शेप में होता है. इसके ऊपर से उन्होंने खाली सेसमे सीड्स लगाए. दैट्स इट. ऐसे यहाँ पे जगह जगह पे वॉल पेंटिंग बहुत सही की है. जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं जहाँ भी हमारा होटल है वहाँ से ये ट्राम स्टेशन मेट्रो से जो भी कह सकते हो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट्स. और अभी हम लोग इधर से मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे हया सोफिया और ब्लू मॉस्क कवर करने के लिए और उसके बाद आएंगे शायद गलांडा टावर. बट उससे पहले हमें लेना है टर्क कार्ड. यस विदाउट टर्क कार्ड यू कांट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो दैट इज समथिंग आई हैव टू कीप इन माइंड. और अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड होटल ऐसी जगह पे ले लो जहाँ पे मेट्रो स्टेशन विसिनिटी हो. मेट्रो इस्तानबुल की और उसके लिए अपने को खरीदना है कार्ड एंड दिस कार्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपको यहाँ से मिलेगा विद द रिफिल. दिस जेंटलमैन इज हेल्पिंग अस विद द कार्ड. कार्ड हमने एक ही लिया लेकिन अभी दो बार पंच होगा. वंस फॉर स्वागत एंड वंस फॉर मी. सो आई हैव टू पंच हियर लाइक दिस. बेसिकली ये कार्ड ना आप 5 लोग यूज कर सकते हो. इज इट. हाँ. डाउन एट सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क स्ट्रीट स्टेशन. अभी हमको जाना है ब्लू मॉस्क में लेकिन यहाँ पे जितने भी मॉस्क हैं ना वहाँ पे जो डोम स्ट्रक्चर है वो एकदम ब्लू कलर्ड में ही है. Isn't it? और ऐसा लगता है कि हर ब्लू मॉस्क ही है. हर एक मॉस्क ब्लू मॉस्क ही है. बाई कलर्ड क्रो. ये क्रो है. इट्स अ क्रो. What bird it is? Crow? गाइज क्योंकि आज ईद है शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है क्योंकि जब भी हम लोग ने कार्ड चेक इन किया और इस ब्लू मॉस सुल्तान अहमद स्ट्रीट पे उतरे वी वर जस्ट ट्राइंग टू चेक इट आउट. सो वी आर सिक्योरिटी गार्ड लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बोला आज फ्री है यू डोंट हैव टू चेक आउट. सो जस्ट फ्रीली हम लोग ने एग्जिट किया. एंड हैप्पी ईद एवरीवन फ्रॉम इस्तांबुल. इज अ ब्लू मॉस्क. बहुत बड़ा लग रहा है. अभी शायद इधर से किधर से जाना है. Now guys, we are just going inside the Blue Mosque और Hagia Sophia भी vicinity में ही है इसके. And this gentleman is helping us. Say hi to our vlog. Hi, how are you? Good, good. So what's your name? My name is Suad. This is my brother from India. Welcome to my country. Thank you so much. Yes. Thank you.
एक्चुअली एज सच आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए ब्लू मॉस में एंटर करने के लिए, वो वॉलेंटरीली हमको हेल्प करा था. उसका एक बिजनेस है विच इज़ ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स, वॉचेस एंड जैकेट्स एंड ऑल. सो शायद वो हमें एज अ कस्टमर देख रहा है, पोटेंशियल कस्टमर. और वन थिंग, आपको ब्लू मॉस में जाना तो आपको पूरे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, जैसे कि फुल पैंट एंड फुल शर्ट. और लेडीज के लिए स्कार्फ बहुत जरूरी है, अगर स्कार्फ नहीं तो आपको एंट्री नहीं है. शूज भी निकालना है, सॉक्स भी निकालना है. No, socks they are wearing, see. कैसे हाथ में लेके जाना. बहुत मतलब बहुत है इस मास्क में फॉर द ऑब्वियस रीजन कि आज ईद है और इसका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का काम भी हुआ नहीं है. सो अगर ये डोम लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा दिखेगा आपको. सो नाउ विल जस्ट रूम अराउंड अ बिट एंड देन विल एग्जिट दिस मास्क. यहाँ पे लिखा तो है विजिटर स्टे बिहाइंड बट बहुत लोग अंदर हैं. सो विल ऑल्सो ट्राई टू गो. वो शायद फेक मैसेज है क्योंकि सब लोग अंदर है, कोई अड़ा नहीं रहा है, नोबडी स्टॉपिंग है. अभी वो फेक मैसेज नहीं है, उसका मतलब ये है कि जब भी उनकी प्रेयर्स चालू रहती है तभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते फॉर द ऑब्वियस रीजन. सो दैट्स अ राइट मैसेज. तो अभी हम लोग जा रहे हैं हगिया सोफिया. नो, इट्स हगिया सोफिया ओनली, नॉट हया सोफिया. नो, आई आस्क्ड हर. ओके, सो जो कि ठीक सामने है ब्लू मॉस्क के. हमने बाकी के वीडियोस देखे इस रीजन के बारे में, ये पूरा प्लेस खाली था, बट दैट इज नॉट द केस टुडे. टुडे इट इज ओवर क्राउडेड. सो दैट्स देयर व्हाट यू सी इज ब्लू मॉस्क और ये एरिया है हगिया सोफिया. इट्स मोर लाइक अ पार्क, ऐसे भरा पड़ा है एंड दीज फ्लावर्स कम ओनली वंस इन अ ईयर. सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी बहुत मस्त है. बट व्हाट आई लव्ड इज ट्यूलिप. हां, हमने कभी देखे नहीं, फुल कलरफुल, फर्स्ट टाइम देखे है लाइफ में. एग्जैक्टली. बोला था कि दीज वॉल्स आर 1500 ईयर ओल्ड. अभी पता नहीं कितना सच है, वो आप विकिपीडिया में ही पढ़ लेना. इट इज कॉल्ड हया सोफिया और हगिया सोफिया. यहाँ पे भी अंदर जाने के लिए अपने को निकालना है शूज और हाथ में लेना है. Completely lit up. So this is not lit up on the occasion of Eid only. I think ये every day ऐसे ही lit up रहते हैं, isn't it? Yes, हमेशा ऐसा ही होता है ये. पता नहीं क्यों मुझे ये नज़ारा बहुत प्यारा लगता है, रास्तों के बीचों बीच मेट्रो. Don't you feel the same? मस्त लग रहा है मुझे, एकदम lively feel हो रहा है यहाँ पे. अपन अपन bus tours भी available है in case you want to make your tour comfortable, but हमको ये नहीं करना है at least for now, क्योंकि हमको city का feel लेना है through public transport. So, अभी हम लेने वाले ये मका कॉर्न का एक ब्रेक और ये 15 लीरा का है. या क्योंकि इसकी जो खुशबू आ रही थी ना उससे हम लोग इमीडिएटली अट्रैक्ट हो गए. और सब लोग खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन इसमें एक कमी, पता है नींबू नहीं इसके ऊपर. हाँ, नींबू चाहिए था. नींबू और थोड़ा सा मसाला भी चाहिए था. सो बेसिकली पहले ये इसको बॉईल करते हैं, फिर वहाँ पे वो लोग रोस्ट करते हैं, इसलिए इतना मजा नहीं आता. हाँ, और अभी हम लोग ले रहे चेस्टनट. उससे बाहर आए उन भाई साहब ने हमें फिर से पकड़ा है. अभी वो उनके शॉप पे लेके जा रहे हैं. वैसे भी हमको जैकेट तो खरीदना है, लेकिन हम लोग देखेंगे प्रॉपरली और उसके बाद डिसाइड करेंगे. यस ब्रदर, जैकेट दिखा रहा था वो 200-300 यूरो से स्टार्ट होने वाला था और 500-700 तक अच्छा खासा जैकेट था, लेकिन आई वॉन्ट टू यूज़ इट ओनली फॉर 3 days एंड डैट टू आफ्टर 9 o'clock इन द नाइट. सो नॉट 9 o'clock, मे बी आफ्टर 8 o'clock, बट ओनली इन द नाइट. तो अभी 3 दिन के लिए टू स्पेंड एटलीस्ट 200-300 यूरो आई डेंट फील इट वर्थ. तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया और उसके बाद तो मैं कभी शायद पहनने भी नहीं वाला हूँ. और मेरे पास एक अच्छा खासा जैकेट है जो स्वागता ने मिस किया है घर में. स्वागता ने नहीं, मेरी भी गलती है क्योंकि मैं थोड़ा सा इस सिटी को एज ए सेड इन द प्रीवियस ब्लॉग अंडर एस्टिमेट कर दिया कि मुझे इतना ठंडी नहीं लगा. बट एक्चुअली आफ्टर 8 o'clock दैट चिल्ड विंड दैट ब्लोज राइट दैट मेक्स द एंटायर एनवायरनमेंट वेरी चिल्ड. तो अभी हया सोफिया और ब्लू मॉस्क होने के बाद हम लोग फिर से वो मेट्रो लेंगे जो मेरे पीछे खड़ी है. हम लोग एक्चुअली मेट्रो स्टेशन पे ही है. तूने इसे क्यों लगाया सनग्लास?
वो देखने के लिए तो निकालना पूरा ओके और उसके बाद हम लोग जाएंगे इमिनोनो तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि इफ वी गेट अ क्रूज दैट कवर्स बोथ यूरोप एंड एशिया कवर्स इन द सेंस ऑन वन साइड यू विल हैव एशिया ऑन द अदर साइड यू विल हैव यूरोप अभी देखते हैं हम लोग एक्चुअली फ्री है कि नहीं बैलेंस नहीं दिखाता है नहीं देख मेरे पर नो इट डजंट शो बैलेंस बैलेंस नहीं करता तो फिर कैसे पता चलेगा कितना बैलेंस है दिस इज नॉट आवर मेट्रो दिस इज गोइंग टू बी आवर मेट्रो हमें और ना इमिनानो और काराकोय यहाँ से ही आपको क्रूज मिल सकती है हाँ गर्दी बा बाप रे गाइस ट्रेन इज ओवरक्राउडेड मुझे मुंबई लोकल की याद आ रही है